मैं दिलीप ओझा और आप देख रहे हैं राइज फॉर इंडिया। मैं एक ऐसी घटना आपको बता रहा हूँ, दिखाऊंगा भी कि एक शादी समारोह में ये घटना हुआ है। जिला छपरा है, थाना बनियापुर है और गांव बेबी। घटना उन्हीं के जुबानी आपको सुना रहा हूँ। ये घटना का कारण क्या था? 12 तारीख को हम लोग बारात लेकर जा रहे थे, ललन जी के लड़के का बारात हम लोग लेकर ऊपर जा रहे थे, परछावन हो रहा था उस समय। क्या नाम है कि अब आप जानते हैं कि क्या नाम है कि परछावन के समय में बहुत सारा हित रिश्तेदार और महिलाएं सब इकट्ठी होती है परछावन के समय में। उस समय परछावन का कार्यक्रम चल रहा था, तो परछावन के समय में बहुत सारा भीड़ था। भीड़ के दरमियान पीछे से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर के आए और कहे कि भाई जल्दी साइड करो। तो उसमें हम लोगों की तरफ से प्रयास हो रहा था कि भाई लंबी लाइन लगी हुई थी, साइड देने का प्रयास किया जा रहा था, तो थोड़ा सा एक मिनट का विलंब हुआ। इस पर आग बबूला हो गए और क्या नाम है गाली गलौज करने लगे। जब गाली दिए तो फिर क्या नाम है कि लड़के इधर से क्या नाम है कि उनको बोले तुम काहे गाली दे रहा है। तब इसी बात पर क्या नाम है कि भिड़ गए और भिड़ने के बाद में क्या नाम है मारपीट करने लगे। फिर तुरंत क्या नाम है कि 2 मिनट भी नहीं लगा तब तक देखा गया कि भाई 40-50 को लाठी डंडा आ गया और उस पर उसके बाद क्या नाम है कि गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे। बाकी डर से सब लोग क्या नाम है कि वहाँ से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रभुराम है। अच्छा अच्छा, तो ये जो है आपने थाना में तो आवेदन दे दिए हैं? हाँ, थाना में आवेदन हम दिए थे उसी दिन, लेकिन प्रभारी के द्वारा कहा गया कि भाई आप लोग का नाम है कि कल आकर के नोट करवा दीजिएगा कि ये मीटर हमको समझ में आ गया है, आपका ये संज्ञान हमारे माइंड में हो गया। कल आए, फिर हम 13 तारीख को आए थे, 13 तारीख को आवेदन दिए, इन्होंने आवेदन पर FIR दर्ज कर दिया और करने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। फिर 15 तारीख को, फिर पुनः 15 तारीख को का नाम है कि पन्नालाल यादव की तरफ से उनके मोबाइल से धमकी दिया गया कि प्रभु तुम जो है क्या है कि इस केस को उठवाओ और नहीं तो तुमको हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बल्कि यहाँ तक जान से मारने की भी धमकी दिए हुए हैं कि भाई तुम इस तो थाना की तरफ से अभी क्या कहा जा रहा है? थाना की तरफ से हम लोगों ने इस बात को जानकारी दिया गया, थाना की तरफ से अभी ये कहा गया है कि क्या नाम है ठीक है हम आते हैं मिलते हैं, लेकिन अभी 13 तारीख का FIR के बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और पुनः जो धमकी दिया गया है उस धमकी के अगेंस्ट में अभी हम आवेदन देकर के आए हैं, लेकिन अभी मारने पीटने का धमकी दिया जा रहा है उसमें। माने धमकी तो इस तरह का है कि क्या नाम है कि जो तुम इसको उसको अगर कंप्रोमाइज नहीं लगवाते तो तुम्हारा टट्टी करते वक्त भी तुम हमें याद करके, इस तरह का धमकी दिया गया है। क्या नाम है उनका? पन्नालाल यादव जी दिए हुए हैं इस तरह का धमकी। अच्छा, गांव कौन सा है उनका? चतरगुछ छपरा है। अच्छा, थाना बनियापुर है जी, जिला छपरा है। अच्छा हाँ सर, बताइए आप जो है मेन जो है आप ही हैं जी, तो ये घटना जो है होने के बाद आपके जो है थाने में आपने आवेदन दिया जी? दिया। तो थाना की तरफ से क्या आश्वासन मिला? अभी कुछ नहीं मिला अभी हमें। अच्छा अभी अच्छा, हमने दे दिए हैं अभी कुछ नहीं, अभी बार बार वो फोन पर धमकी दे रहे हैं सब आदमी को, हम जो हमें हमारे साथ हैं जो हमें मदद देते हैं उनको सबको धमकी देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है ललन राम। अच्छा हाँ सर, बताइए आप जो आप लोग थाना में क्या करने आए थे? जब इन लोग को धमकी दिया गया जी, तो ये लोग प्रभु भैया लोग चाहे ललन भैया लोग हम लोग को फोन किए, हम लोग रिश्तेदार हैं इनके जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर अनिल कुमार। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव है आरना। अच्छा अच्छा, मसरक थाना में मेरा जी, बताइए। तो हम लोग रिश्तेदार हैं, फोन किए ताकि हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है जी, और ये लोग धमकी दे रहे हैं कि मारेंगे, जान मार देंगे, कॉम्प्रोमाइज करो नहीं तो जान मार देंगे। आप प्रभु भैया वो कहे कि ऐसा मार मारेंगे तुम जब पैखाना करने जाएगा तब तुमको टट्टी करने के बेरा याद पड़ेगा कि हम कैसा मार मारेंगे। तो हम लोग सोचे कि भाई दबंग लोग है, कुछो कर सकता है, आ ये लोग अरे सीधा सगा है तो भाई ये लोग तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो हम लोग कहे कि चलिए भाई थाने में हम लोग देते हैं सहयोग करने के लिए। आप आए आई लोग के साथ सहयोग में? आप ऑपरेशन में क्या लगते हैं इनके? ऐसे इनके लड़का का शादी मेरे गांव में हुआ है। अच्छा। हाँ, समझे हुए हम।